आइए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हिमाचली ब्लॉगर शुक्ला शर्मा के चैनल पे। और आज देखिए आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रहे हैं। तो ये न्यू रेसिपी है और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो। और ये देखिए, ये बनाना कड़ी है। आज बनाना कड़ी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। तो ये हरे जो केले होते हैं ना, वो लेने हैं आपने, और इनको जो है वो छील लेना है। इसका जो हरा हरा छिलका है वो पूरा हमने उतार लेना है। तो आप सभी का जो साथ है ना, वो पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा मिला और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों का ये प्यार देख के। और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे वाला स्वागत मेरे चैनल पे जो नए आए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आगे से आगे शेयर करें। तो यहाँ पे हमने जो है केले के वो छिलके उतार लिए और केलों को जो है वो ऐसे कट कर लिया है। और दूसरी साइड हमने तेल जो है वो गर्म करने छोड़ दिया है। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा और देखिएगा कि कैसे बना रहे हैं हम बनाना कड़ी। तो ये देखिए, यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है और हमारी डॉक्टरनी साहिबा जो है वो ये केलों को जो है वो तलना शुरू कर रही है। तो ये हम पहले तल लेते हैं। ये फर्स्ट पड़ाव है, पड़ाव बोलते हैं जो मतलब जितना हमारा पहली बार आता है ना कढ़ाई में, तो वो पड़ाव होता है। जैसे दूसरी बार डाला वो दूसरा पड़ाव हो गया। तो इस तरीके से जो है हम पड़ाव बोलते हैं इसे। और अब इसको जो है हम थोड़ा सा ब्राउन जब कलर हो जाता है तो हमने जो है वो उठा लेना है। देखिए अभी कलर जो वो कैसा था और अब कैसा है। तो हमारा ये वाला पड़ाव जो है वो लगभग होने ही वाला है। हमने जो है वो हिलाते रहना है, इसको चलाते रहना है ताकि ये हर एक साइड से जो है वो अच्छे से पक जाए। तो आँच जो है हमारी वो बराबर रहनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है जब नई नई रेसिपी बनती है ना, तो अच्छा लगता है और खाने को भी अच्छा लगता है और दिखाने को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो निकाल लिए, ये बनानास हमारे पक चुके हैं। और आप चूल्हे के लिए कुछ मत बोलना प्लीज़, क्योंकि चूल्हा जो ना काला हो जाता है अगर सुबह भी इसको लीपा जाए मतलब मीन्स पोता जाए, तो इसमें मिट्टी लगाई जाए तो भी ऐसे जल जाता है, क्योंकि कंटिन्यू आग जली रहती है। और ये है सेकंड पड़ाव, हमारा लास्ट पड़ाव। तो ये हम जो है अब डाल लेते हैं। हमारा तेल गर्म ही है, आपको पता है। तो ज़्यादा भी आँच नहीं लगानी है और बहुत कम भी नहीं लगानी है, मीडियम आँच रखनी है और लगातार कंटिन्यू जो है वो आग जली होनी चाहिए आपकी। और ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि तेल कम है, नहीं, तेल ठीक है। बट ये हमारे देखिए अब हमारे बन गए हैं, ये भी पक के तैयार हो गए हैं। और इनको अब हम निकाल लेते हैं एक थाली में या एक प्लेट में आप निकाल सकते हैं। और सच में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। हमने पूरी कोशिश की है हर एक चीज़ दिखाने की और नई से नई चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का अगर कंटिन्यू जैसा पिछली वीडियो में प्यार रहा वैसा ही कंटिन्यू रहा, तो आपको सच में नई नई चीज़ें जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी हिमाचल कल्चर, हमारा हिमाचल का खाना, हमारा हिमाचल का रहन सहन, हमारे हिमाचल के कामकाज, तो हम सारी चीज़ों से जो है आपको अवगत करवाएंगे। यहाँ पे हमने जो है वो प्याज काट लिया, सारे मसाले काट लिए। तो प्याज हमने ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा मतलब लंबा लंबा रखना है और बारीक बारीक काट लेना है, बट छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, लंबा लंबा काटना है। और अब हम तेल में इसको जो है वो ब्राउन कलर का होने देते हैं। और अब हमारा जो है वो ये प्याज जो है पक गया है। अब हमने जो है वो धनिया डाल दिया और यहाँ पे हमने मिर्चें डाल ली, ये पाउडर है मिर्च का, और हरी मिर्च भी डाल ली। और यहाँ पे जीरा हमने डाल लिया है। तो जो भी आप लोगों के पास मसाले अवेलेबल होंगे वो आप डाल सकते हैं, हमारे पास जो है वो हम दिखा रहे हैं। और एक्स्ट्रा तो हम कुछ भी दिखा नहीं सकते, जो है वही दिखाएंगे। रियलिटी जो है वो उम्र भर चलती है और दिखावा जो है 4 दिन चलता है।
तो यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर ली, और ये हल्दी को भी हम जो है वो अच्छे से पकने देते हैं। मसाला हमारा अच्छे से पकना चाहिए, और जब हमारा मसाला पक जाता है तो ही जो है वो टेस्ट आता है सब्ज़ी में और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए डॉक्टरनी साहिबा बड़े इत्मीनान से लगी है, बड़े प्यार से सब्ज़ी बना रहे हैं। यहाँ पे हमने ये टमाटर काटे हुए थे तो टमाटर भी हम जो है वो अब पकने देते हैं। तो तेल इन्होंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि हमारी डॉक्टर ने साहिबा की जो है वो पता नहीं लगता ना, तो बच्चे हैं, बच्चे खुले दिल के होते हैं, तो ये उन्हीं को पता होता है कि कैसे जो खरीदते हैं ना उन्हीं को पता होता है कि कैसे हमने एडजस्टमेंट करनी है, कैसे चीज़ को बचाना है। तो आप तेल को थोड़ा कम लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने साहिबा ने ज़्यादा ले लिया है, तो ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा ही लेना पड़ता है। आप लोग खुद जानते हो सब कुछ, हम अपने जो तरीके से जो बनाते हैं ना वो दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत जानकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए अब हमारा तड़का हो गया है, हमने जो बनानास तले थे वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये बनेगी बनानास कड़ी। तो एक बार ट्राई करना, और सच में ही बहुत टेस्टी बनी थी भाई। हम तो ना ऐसा लगता है जैसे ना अरबी तली हो, उस तरीके का टेस्ट आता है, पर बहुत अच्छे स्वाद आता है। और यहाँ पे हम पानी उतना डालेंगे जितना हमारे को जो है वो सब्ज़ी चाहिए होगी, और हमारे बनानास होंगे उस हिसाब से जो है हम पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। और यहाँ पे हमने नमक जो है वो स्वाद अनुसार डालेंगे। पहले जो है हमने वो टमाटर पकाने के लिए जो है नमक डाला था, और अब हम जो है उस हिसाब से ही डालेंगे जिस हिसाब से हमने पहले भी डाला था, और अब ये बनाना पकने के लिए डाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये स्टीम है, ऐसा मत सोचना ये धुआं लग गया, आग ही लग गई फ़ोन को ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो बनाना कड़ी बन गई है। तो अब हम उठा लेते हैं कढ़ाई को चूल्हे से और नीचे उतार लेते हैं, और ये उतार लिया जी हमने कढ़ाई को नीचे, और अब देखिएगा देखो कैसा बना। और यहाँ पे हमने ना हरा धनिया लिया था, तो हमने जो छोटा छोटा कुतरा कर लिया था, और अब हम इसमें जो है वो ऐड कर लेते हैं और मिला लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हरा धनिया होता है उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है, लाजवाब होता है। तो इसलिए जो है वो ये हर एक चीज़ में जो है आप लोग डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं हिमाचली थाली, तो ऐसे परोसते हैं, हमारे को तो भाई चावल चाहिए चाहिए होते हैं, तो चावल हम सुबह भी खाते हैं और शाम को भी खाते हैं। और ये देखिए ये बने हमारे जो है वो बनाना कड़ी, और कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ ज़रूर सच बताइएगा कि कैसी लगी, ऐसा नहीं कि झूठी तारीफ़ कर दी और लाओ जी शुक्ला और चढ़ गए झाड़ के पेड़ पे, तो ऐसा नहीं करना है, आपने सच बोलना है। और ये देखिए जी ये बन गया हमारा बनाना कड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।